Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah teri ibadat karte hain, Allah tere se madad maangte hain. Baith jaye aur khamoshi se aap. Dekhe, maine aaj aapko yahan bulaya. Bas bas. Suno suno. Maine aaj aapko khaas se daawat di. Kyunki main पाकिस्तान की तारीख के उस वक्त आपको दावत दे रहा हूं जब हमारा मुल्क अपनी हकीकी आजादी के लिए एक बड़ी अहम जद्दोजहद के अंदर हमारा मुल्क इस वक्त पड़ा हुआ है। जरा मेरी गौर से बात सुने क्योंकि ये बड़ी बड़ा जरूरी आपके लिए समझना। हमारा मुल्क आज एक फैसला कुन मरहले पे खड़ा। एक तरफ 30 साल से जो इस मुल्क को लूट रहे थे उनको एक अमरीकी साजिश के तहत हमारे ऊपर मुसलत किया गया और जो मुल्क का हाल इन्होंने किया है दो महीने के अंदर जिस तरह बेदर्दी से मुल्क के ऊपर इन्होंने महंगाई का समुद्र पूरा एक लोगों को समुद्र के अंदर डूब रहे हैं और दूसरी तरफ इन्होंने हमारी सबकी जो हमारा हक है एक जमहूरियत के अंदर पुरअमन एहतजाज करना प्रोटेस्ट करना जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ अपनी आवाज उठाना वो भी इन्होंने बंद करने की कोशिश की है। जुल्म किया इन्होंने 25 को। आप जो वर्कर्स बैठे हैं आपको सबसे आपने अपनी आंखों से देखा कि इन्होंने किया क्या। मैंने किसी मार्शल लॉ के अंदर भी इस तरह की बेदर्दी से पुलिस और रेंजर्स को अपने शहरियों के ऊपर शेलिंग करते नहीं देखा। मार्शल लॉ में मैंने ये देखा मुशर्रफ का मार्शल लॉ था। मैं जेल में भी गया 8 दिनों के लिए 7 दिनों के लिए लेकिन उस दौर में भी मैंने ये जुल्म नहीं देखा जो इन्होंने हमारे लोगों के ऊपर किया इस बार। और सिर्फ एक खौफ से कि इनको ये डर था कि अगर अवाम सड़कों पर निकला ही और अवाम जो अवाम के अंदर दिल में है कि ये हमारे मुल्क से जुल्म हुआ कि बाहर से बैठ के एक अमरीकी अंडर सेक्रेटरी डॉनल्ड लू वो हुक्म देता है हमारे हमारे एम्बेसडर को धमकी देता है कि अगर आप इमरान खान को नहीं हटाएंगे तो हम ये कर देंगे और अगर उसको हटा देंगे तो हम माफ कर देंगे। यानी इस तरह का तकब्बर 22 करोड़ लोगों के ऊपर इस तरह का तकब्बर करना और फिर वो साजिश कामयाब हो जानी और फिर ये चोर ऊपर आ जाने और फिर चोर आते साथ ही महंगाई और महंगाई
हमारे ऊपर साढ़े तीन साल कहते रहे कि जी बड़ी महंगाई है, महंगाई मार्च हो रही है जी, लोग पिस गए। इन्होंने ढाई दो महीने में वो महंगाई की है जो हमने साढ़े तीन साल में नहीं की, और अभी मजीद और महंगाई आने वाली है। उसकी आज स्टेटमेंट आई है इनका जो फाइनेंस मिनिस्टर है कि अभी हमें IMF को खुश करने के लिए और महंगाई करनी पड़ेगी। इसलिए मैं आपको आज इस मौके पे मैं आपको इसलिए सारों को बुलाया कि आपने एक बड़ा अहम रोल प्ले करना है, इसे आपका बहुत बड़ा रोल है पिंडी और इस्लामाबाद का खास तौर पर, क्योंकि मैंने आपको एक कॉल देनी है। इस बार ही हमने तैयारी से निकलना है, तो हमने सुने जरा बारी तो आती रहेगी, मैं पहले आपको जरा तैयारी करवाना चाहता हूँ। बारी से पहले आपकी तैयारी होगी, और तैयारी क्या होगी देखिए, आप जरा तैयारी मेरी सुन लें। हमने 25 को हमने पूरा मन एहतजाज के लिए तैयारी की, हमें अंदाजा ही नहीं था कि सामने ये क्या करेंगे और किस तरह का जुल्म करेंगे, ना देखेंगे कि औरतें हैं बच्चे हैं सामने। ऐसा फिर से मैंने कभी पाकिस्तान में ऐसा नहीं देखा। मीडिया को इन्होंने कंट्रोल कर लिया है, अच्छे अच्छे सहाफियों को धमकियां आ रही है। शाबाश, ये देखिए मैं आपको फिर से कह रहा हूं कि अभी मैं फिर से आता हूं, तो इन्होंने पूरा वो किया जो जो एक डिक्टेटरशिप में होता है, कभी जमहूरियत में इस तरह नहीं होता। इस बार मैंने आपको इसलिए बुलाया कि इस बार हमने तैयारी करके निकलना, और तैयारी क्या है अब सुने मेरी तैयारी क्या है। देखिए, और ख्वातीन भी यहां बैठी हुई है, क्योंकि इस वक्त मैंने कभी अपनी, अब 70 साल का होने लगा हूं इस साल, कभी मैंने अपनी जिंदगी में कौम को मुत्तहिद ऐसे नहीं देखा जिस तरह आज सारी कौम इनके खिलाफ मुत्तहिद है, कभी मैंने ऐसे नहीं देखा। ये पहली दफा है कि चाहे वो हम जिनको कहते हैं मम्मी डैडी या बर्गर क्राउड, वो भी साथ है आपके, मजदूर भी आपके साथ है, किसान भी आपके साथ है, क्योंकि किसानों से जो आजकल हो रहा है, अब किसानों को भी नजर आ रहा है कि हमारे दौर में हमने किसानों का क्या फायदा करवाया था, और पैदावार इस मुल्क की कितनी बड़ी थी। आज सारे तबके और घर में ख्वातीन जो बैठी है, मैंने कभी हमारी औरतों को इस तरह उनका जज्बा और जुनूनी देखा जो आज है, वो सब इस इंपोर्टेड हुकूमत के खिलाफ। सो हमारे नौजवान, हमारे कॉलेज स्टूडेंट्स, हमारे प्रोफेशनल्स, हमारे इंजीनियर्स, हमारे डॉक्टर्स, इस वक्त सारी जो कौम है वो इस वक्त तैयार है इसके खिलाफ पुरअमन मुजाहरा करने के लिए। आपसे जो मैं चाहता हूं कि आपने इस बारी वो काम करना है जो अभी तक मेरी कारकुनों ने नहीं किया, डोर टू डोर आपने घरों में जाना है, बाजारों में जाना है, आपने लोगों को दरवाजे नॉक करने हैं और कहना है कि हम आपको सियासत के लिए नहीं निकाल रहे, जहाद करने के लिए निकाल रहे हैं। हम अपने सुने
अच्छा सुन यहां पे एक बात, अभी नारा लगाया, अभी एक नारा लगा कि